तो सबसे पहले तो हम मास्क उतारे और चेहरा दिखाएं स्टार्ट में मास्क। उतारे सर। डन यार वैसे तो गर्मी बहुत ज्यादा है यार आज। अच्छा अगर आपको पता नहीं फिर चेहरा अच्छा लगा प्यारा लगा दुख हुआ और पॉडकास्ट को पॉडकास्ट को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बातें करनी है आपसे तो वो मैं तो बेसिकली पहली पॉडकास्ट थी हमारी थोड़ा सा चलता है यार पहली पॉडकास्ट है एक ड्रीम था पॉडकास्ट स्टार्ट करनी है तो इतना तो बनता है और फिर उसके अलावा कुछ हामिया थी कि सबसे बड़ा जो मसला था हमारे पास माइक्स नहीं थे तो हमने पैसा खर्च किया और दो माइक्स लिए एक वैले से था और एक खर्च करके माइक लिए हमने तो वो फिर आप व्यूज लाएंगे तो पॉडकास्ट देखेंगे पैसे आएंगे तो हमारा खर्चा पूरा हाँ। होगा क्या? इतना खुश था ये, इतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं खुश नहीं था झूठ नहीं खुश थे वैसे इंस्टाग्राम पेज पे एक ही दिन में 200 सौ फॉलोअर्स आए थे एक ही दिन में यार थैंक यू सो मच और फिर पॉडकास्ट के ऊपर भी तक सत्तर अस्सी तो थैंक यू सो मच गाइस

मेरा अबू ने अपना ट्रांसफर करवाया था तो हम फिर उसके बाद चार साल मेरे शॉर्ट में गुजारा है रहे हैं नाइन्थ टेंथ एफ एस सेकेंडरी मतलब सारा कुछ और उस दर हम इवन स्कूल में भी ना पुस्तों रही थी मतलब फिजिक्स में मैंने में पढ़ा है मैथ्स भी केमिस्ट्री भी फेरक्ष्ट्र? हाँ सारा आ, इवन इंग्लिश में हम पढ़ते थे ठीक है इंग्लिश मतलब इंग्लिश में ना अगर एक दफ़ा एक दफ़ा पढ़ा के ना उसका ट्रांसलेसन पुस्त तो में करते थे क्योंकि उधर ऐसे होता अच्छा, है ना कि उन लोगों को समझ नहीं आ रही ठीक है हाँ ठीक है वहाँ पे तो बोली बहुत ही ज्यादा यार तो पेशा के बारे में थोड़ा बताओ ना पेशावर कैसा लगा शुरू में आगे कैसा लगा फिर बाद में कैसा शुरू में यार बंदा एक नई जगह जाता है उसको बहुत मजे थे जगह ठीक है मैं भी बहुत एक्साइटेड था यार हम शावर आ गए शहर आ गए वो तो फिर पहले पहले जब आए तो अब्बू भी हमें लेके घूमते थे ठीक है इधर जाना आना जाना क्योंकि स्कूल वगैरह नहीं था उस टाइम पे क्योंकि मतलब छुट्टियों की थी मेरी मैंने पेपर्स वगैरह दे दिए थे इधर एडमिशन का सीन नहीं चल रहा था तो मैं चित्राल में सोचता हमारे पेपर जल्दी होते हैं और हमारी विंटर्स की वेकेशन इधर जर इधर समर की वैकेशन ज़्यादा होती है हमारे इधर विंटर वेकेशन बहुत ज़्यादा होती है इस तरह से तो हमारे विंटर वेकेशन कोई दो महीने के थे दो महीने से भी ज़्यादा थे ना तो मैं दो तीन महीने घर में ही था तो मतलब घूमना फिरना ये बहुत ज़्यादा था तो फिर ऐसा हुआ कि एडमिशन का टाइम आ गया और नाइन्थ में एडमिशन करना था नाइन्थ में एडमिशन करने मतलब बंदे को बहुत ही कन्फ्यूजन होती है और नए जगह जाना सारा कुछ तो मैंने एक काफ़ी बड़े स्कूल में मैंने एडमिशन किया ठीक है तो उधर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुआ पढ़ना फिर मैंने छोड़ के फिर मैंने एक स्ट्रीट स्कूल से पढ़ाई जिसके हम पहले बेचते और दो साल लगातार मेरा नाम इस बोर्ड पे आया था पेशावर तो चतराल में ऐसा है ना कि पढ़ाई के हिसाब से बहुत डिफरेंस है पेशावर और चित्राल में ठीक है चित्राल में चित्राल में कंसेप्चुअल पढ़ाई होती है पेशावर में रट्टा बहुत ज्यादा होता है बहुत ही ज्यादा जब मैं आया था तो मेरे जो बेचमेट थे उन्होंने क्लास एट में ही पाँच पाँच चैप्टर रट्टा मारे थे तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि मैं उनके साथ मतलब कम्पेयर करूँ खुद को ठीक है मगर शुक्र है कि मतलब हमारी इवनिंग में भी क्लासेस होती लिए। थी कौन सी मैंने कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस डिग्री नहीं है डिग्री नहीं वो एफ एस सी मार्क्स की मार्क्स की हाँ बहुत ज्यादा मुझे फायदा बहुत ज्यादा मार्क्स का वैसे हाँ क्योंकि मेरे कॉलेज में मेरा स्कॉलरशिप था इन मार्क्स वैसे एफएससी के जो मैंने रट्टे में लिए थे मगर ऐसा था कि मुझे कांसेप्ट भी आता था ठीक है तो फिर तो पूरी क्लास के स्कॉलरशिप पे या हाँ, ही नंबर आने सारी क्लास पास हुई हो सारे, सारे क्लास मतलब हमारे आप ऐसा था ना कि हम सब ने कहा था हम गवर्नमेंट कॉलेज जाएंगे ठीक है मिलके तो बाद में ऐसा हुआ कि जा रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज दाखिल लेने के लिए मेरे दोस्त ने इंजीनियरिंग में किया था मैं कंप्यूटर साइंस में कर रहा था तो मेरा एक दोस्त था जमाल दुरानी तो उसने मुझे पकड़ के बोला यार देख एक दूसरी कॉलेज है प्राइवेट हमें स्कॉलरशिप देगी वो तो फिर मैं उसको लेके उसको चला गया तो फिर बाद में उस कॉलेज में बहुत खुआ रहे दो साल आप पिशावर से इस्लाबाद नमल या नमल का सीना पहले कोशिश करता था की मैं इनसे लाहौर जाऊँ ठीक है तो गर्वर ने कहा लाहौर बहुत दूर है उधर रिश्तेदार नहीं है रहने का मसला इवन मैंने फॉर्म भी फिल नहीं किया तो उससे पहले ये मसले मसाइल गए फिर उसके बाद मैं करने वाला था एयोनिटिक इंजीनियरिंग मतलब जो एरोप्लेन की इंजीनियरिंग वगैरह होती है ये वाला सीन ना तो उसके लिए भी फिर लाहौर जाने का सीन हुआ क्योंकि इस्लामाबाद में नहीं हो रहा था वो थोड़ा महंगा हो रहा था वो तो फिर मैंने कहा कि यार मतलब इतने पैसे लगा के वो करके मतलब लाहौर जाए बंदा फिर अगर उधर फ़्राड मार्ट हो गया फिर अब भी ये बोले थे कि फ़्रॉड होगा तुम्हारे साथ ये वो कॉलेज कोई कन्फर्म पता नहीं है ना फिर उसने भी जाने नहीं दिया आखिरकार मेरे कज़न इधर पढ़ते थे नमल में उन्होंने कहा कि यार नमल शिफ्ट कर लो ठीक है नमल यूनिवर्सिटी अच्छा है और मैंने नमल में तीन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था के? मैंने कॉम के लिए किया था उस टाइम साइकोलॉजी के लिए किया था पीस एंड कन्फ्लेक्स और मार्क्स अच्छे थे तो तीनों पे आ गया था मेरा नाम मेरिट पे फिर इंटरव्यू में जब मैं गया तो साइकोलॉजी में मैं डरने लगा क्योंकि उधर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा थी <laughs> तो मैंने कहा कि लड़कियों के साथ ऐसा हो गया कि यार पढ़ने का सीन बहुत टफ होगा ठीक है और लड़कियाँ पढ़ने में बहुत ज्यादा होती है और फिर ऊपर से था मेरा कंप्यूटर साइंसियों का नहीं यार नहीं, ऐसा ऐसा कोई सीन वो <laughs> सीन ही नहीं यार मेरा मसला ये था कि मैं पढ़ाई का मसला होगा ऊपर से फिर उन्होंने बायो पढ़ा हुआ था सब ने तो फिर मैंने कहा कि मैंने बायो भी नहीं पढ़ा मैंने पढ़ा कंप्यूटर साइंस तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा तो फिर मैं कहा कि नहीं करता हूँ फिर बाद में सिलेक्शन हो गई थी पीस भी हो गई थी फिर शौक मीडिया की तरफ था मैंने कहा कि यार मीडिया में जाऊँगा मुझे अच्छे लोग मिलेंगे जो मेरे किस्मत में हो गया और मुझे वासिफ जैसे लोग मिले जो कि मतलब यार भाई मरियम 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 भी मरियम मरियम बाद में मिले ना पहले वासी मिले जिसने मतलब बहुत मोटिवेट किया था यूट हो गई ना मेरा ये यूट्यूब में मैंने वासी को नहीं देखा था मैं वाहिद बंदा था जिसने यूट्यूब सर्च भी नहीं नमल के बारे में मेरा सिर्फ यह था कि मैं नमल जाऊंगा मुझे क्रिएटिव लोग मिलेंगे ठीक है उनके साथ बैठना उठना होगा अपना मैं मतलब सीन चला दूंगा ये सीन था फिर जब यूनिवर्सिटी आया तो फिर वासी लोग घूमते थे मुझे लगता था यार उस वक्त तो उसके बाल भी बहुत वो थे ना रेड रेड थे अभी तो फिर भी बाल इसके तो थो थोड़े वो डाले बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा <laughs> नहीं है ना कोई तो ना उस टाइम फिर मैं बोलता था यार ये क्या मतलब चल इंसान है हर टेम पर बनते फिरते वो ना तो ये मैंने उसके में उसको बताया ठीक है ये सीन था फिर उसमें बीच में सी पी सी का सीन आ गया

इशारा कर रहा है नहीं, नहीं 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 हाँ वासी में चोर है यार काफ़ी बहुत ज्यादा संजीदा बंदा देख ले तो क्लास में आया तो मेरे दिन क्लास में बैठा मैंने नोट किया कि कौन कैसा है ये वो फिर सी आर जी आर सी हो गया सारा कुछ हो गया मैंने कहा यार जीरो इंटरेस्ट फिर हो गया ऑनलाइन क्लासेस फिर गया मैं घर और फिर जैसे यूनिवर्सिटी के सीन होते हैं स्नैक्स वगैरह निकल आए सारे फिर मतलब अपनी मतलब के लिए बातें स्टार्ट हो गई ये वो यूनिवर्सिटी का सीन चलता गया फिर जब वासी बात कर रहे हैं हाँ। फिर जब, हाँ। जब वास्तु लोगो से, ब... हाँ। हाँ। लो तो से मिला छोड़े यार बस बच्चे हैं यार ही जाएंगे बच्चे बच्चे हैं फिर जब वासिफ लोगो से मिला मैं फिर उनके लोग हो गया ना फिर फोर्थ में था तो सीपीसी का सीन हुआ फिर वापस आके मिलना जुलना हो गया वासिफ के साथ फिर फिर काफी अच्छी गपशप हो गई यार मतलब ऐसा लगता था कि बहुत पुराने दोस्त हैं वो तीन दिनों में ना मतलब बहुत ही मजे का गए हाँ। सी में जितने लोग मिले थे ना वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त ज्यादा और भी वही दोस्ती हुई थी इवन कुछ जूनियर्स थे ना उनको मैंने बाद में यारी पी सी में देखा है बोलते हैं यार हमारे आपके जूनियर मैंने कहा नमल का बहुत ज्यादा गेम था सी पी सी में इस दफा सितम्बर में होगा तो उसमें जाएंगे सारे

तो मैं ऐसे माज के साथ के में कैमरे पे आता था तो कहता है कोई नहीं माज के साथ आओ मगर कैमरे के आगे आओ ठीक है बातें करो तुम्हें कॉन्फिडेंस पैदा होगा अपना चैलेंज स्टार्ट करिए वो <coughs> तो फिर मैं घर बैठा हुआ था और जब हमारी चुट रही थे मैंने वासिफ को बोला यार वासी तुम शावर आना ठीक है तो वे बैठे थे मैंने कहा कि यार वासिफ आएगा मैं उसको सरप्राइज दूँगा ठीक है मैं वो बनाऊँगा उसके साथ तो मेरा छोटा भाई था उसने कहा कि उसने कहा कि ठीक है बनाओ उठाने तो फिर मैं मैंने इंटो मिनटों शूट किया बैठ के ना चेयर पे बैठ के मैंने कहा यार तू पकड़ के इंट्रो शूट करना पहली दफ़ा है मेरा

फिर ये वापस आ गया फिर मैं वापस आता तो हूँ मेरे ब्लॉक बनाया फिर इस तरह हो के टाइम टू टाइम मतलब मजा आने लगा मुझे खुद इस काम में ठीक है और जब फिर लोगों ने देखा तो मतलब फिर और भी मजा आने लगा ठीक है इवन कम लोग देखते हैं कोई इशू नहीं है मगर जो लोग देखते हैं तो ना मजा आता है यार तो हाँ। अच्छा और फिर बाद में जब आ, आ, मैंने बीच में कोर्स ज्वाइन किया क्योंकि मैं घर में बैठा अच्छा यहाँ पे एक और मैं स्टोरी बताता हूँ काफी टाइम तक यूनिवर्सिटी के साथ साथ जॉब भी की है

व्लॉग वाला वाला बताओ मैन एंड क्या सीन था यार हम बैठे थे ना हम फरदा हाँ. मेरा कजन है ठीक है मतलब बहुत ही हम बहुत ही बचपन में एक साथ, एक साथ एक साथ एक साथ रहते हैं ठीक है मतलब हमारी उसके अंदर बहुत ज्यादा है हुँ. तो मैं बैठा था मैंने कहा कि यार आ, मैं मतलब खुद को ना छुपा रहा हूँ ठीक है लोगों से हुँ. तो उसने कहा क्यों क्या हुआ मैंने कहा यार मैं मतलब मास्क वैसे भी पहनता रहता हूँ तो मैं अपना अकाउंट मैन एंड मास्क के नाम से करके ना अपना पोस्ट मोस्ट सारा मतलब हाइड कर रहा हूँ तो उसने कहा कि यार अच्छा आइडिया है कर लेना मतलब रीच आएगी लोग देखेंगे ये वो तो जैसा हमने जैसा हमने बनाया था वैसा ही हो गया ठीक है हाइप बन गई मतलब लोगों ने देखा लोगों ने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया यार क्या सीने मास्क क्यों पहनते हो मास्क के पीछे क्या मसला है ये वो तो फिर मैंने ही हो गया था उससे पहले ही मतलब मास्क मैन मास्क हो गया था इवन उसके ब्लॉक्स में भी आता तो उधर भी बोलते थे तो वो तो बहुत ही पहले हो गया था वो तो लोग से पहले नाम बन गया था और अली हमें अपनी जॉब के बारे में बताओ ना कि कैसे स्टार्ट की क्या किया उसके बारे में थोड़ी हमें जॉब का भी तो। है ना कि वासिफ ने कहा देख अली टाइम जैन आकर तू कुछ काम वाम कर लेना इससे पहले का ग्राफिक डिजाइन सीख लिया तो वो मैंने स्टार्टिंग में किया तो बहुत शौक से मैं रहा था

फिर मुझे लगा यार टपा वाला सी नहीं ठीक है थी, को भी पेस्ट कर रहा हूँ उसका एक पिक्चर लेके उसकी लाइनिंग वगैरह बना के अगर आ, मुझे किसी ने कोई क्रिएटिव आइडिया दिया मुझे तो ना एंगल्स का कोई पता है ठीक है ना मुझे शेप्स का इतना कोई आइडिया है मैंने कभी नहीं कर सकता काम ना तो मैंने कहा यार नहीं हो रहा मुझसे काम मैंने कहा ट्राई करता हूँ फिर मैंने ट्राई किया बनाने की कोशिश भी की ठीक है दूसरी चीज़ें बनाई मगर उतना मज़ा नहीं आया जितना वो शेर बना के मुझे मज़ा आया था क्योंकि वो परफेक्ट बनाया था ना फिर मैंने कहा यार वासिफ नहीं हो रहा वासिफ ने कहा कि यार देख ली तू वो कर रहा है फिर कहा कि कोई और काम कर फिर उसने अपने एक दोस्त को बोले कि का कोई जुगाड़ करना तो हाँ फिर उसने मुझे कॉल किया कि यार हाँ काचर में कहा ये सीन है तुम आ जाओ तो उसी रात को मैं गया इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के लिए गया तो उधर इंटरव्यू हो गया उन्होंने पूछ लिया कि क्या सीन है सारा कुछ फिर सेलेक्ट हो गया उसी दिन और सेवन डेज की ट्रेनिंग थी तो मुझे कहा कि तीन दिन की ट्रेनिंग है मतलब तुम्हारी इन्फ्लुएंसी थोड़ी तो अच्छी है, है ना तुम बात कर सकते हो तो मैंने कहा ठीक है तीन दिन की ट्रेनिंग हो गई फिर कॉल सेंटर स्टार्ट हुआ पहले एक वीक इतना कोई एनर्जी <laughs> मेरे साथ बैठा था एक मेरा फ्रेंड तो वो बता था कि यार अली देख बहुत अच्छा है तुम्हारी एनर्जी बहुत अच्छी है मगर तुम्हें एक दो हफ्ते बाद पता चलेगा कि एक का क्या सीन होता है मैं खुश क्योंकि मैंने पहले दिन मतलब आधे घंटे महीना मेरा सेल निकल आया था तो मेरे जो टीम के फ्लोर के जितने भी ठहर थे सारे बहुत खुश थे कि यार बंदा काम कर रहा है ये वो हाँ दो वीक एक भी सेल नहीं हुआ यार फिर इतना मैं उदास मैंने कहा कि यार ये मैं क्या कर रहा कराऊँ और मुझे बिठा दिया ऐसे सीनियर्स के साथ तो वो एक लड़का था मेरे एज का तो मुझे बोलता था कि देख तू हराम के पैसे कमा रहा है वो हर बात हर हाँ। हराम के पैसे कमा था ना उसके पास हो मैं है यार दस घंटे बैठा हूँ बात कर रहा हूँ अंग्रेजों से अगर अच्छा, हाँ, सेल नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ और मोर्गेज में सेल बहुत ही मुश्किल था और उस टाइम परसेंटेज भी ज्यादा हुआ था होम लोन मोर्गेज मतलब तुम एक घर ले रहे हो ना

फिर मुझसे बात करो फिर मुझे सा गुस्सा आया उसने कॉल किया मैंने दोबारा कॉल किया फिर हमारी काफी लंबी बात हुई फिर उसने कहा कि तुम तो सही बोलते मैंने, मैंने कहा कि मेरा, मेरा मूड सही नहीं था, था। आप, आ, मैंने कहा कि मेरा मूड सही नहीं था आपने आपने मुझे बोला किससे करो मैंने कहा क्या है मैंने कहा चलो दोबारा से बात करते हैं तो मुझे गुस्सा भी आया था मेरे, फिर मैंने कहा कि काफी लंबी हमारी बात हुई नहीं, नहीं लड़कियों से अच्छा, बात करता हूँ मैंने कहा कि चलो इसे करते ना, क्या मसले है वो मुझे मसले बता दें मैंने कहा मसले तो बता दे फिर बंदा वो मसले क्लियर आउट करे मैंने कहा नोट कर रहा हूँ मुझे मसले बता दे अक्सर ऐसा होता है ना हम बात करते थे ठीक है बाहर हमसे प्रोफेशनल लोग होते थे तो वो हमें बताते थे कि यार ये ये सीन है तुम नोट करो मैं तुम्हें बताता हूँ तो इतना कोई शर्म आता था कि यार मतलब सब बंदा समझ के कि कुछ नहीं आता तो इस तरह हो गया सारा कोशेंटर वाला सीन हो गया और वो भी बताओ ना जो पे वाली स्टोरी बताओ आगे बताओ असल स्टोरी तो है सेंटर वाली। का नाम भी लोग एक्सपोज करो यार फर्स्ट स्टेप कॉल सेंटर है ठीक है नाम मिल रहा हूँ कॉल सेंटर बहुत अच्छा है ठीक है मतलब स्टार्टिंग में बहुत फ्रेंडली होते हैं बाद में फिर वही होता है कि मार्केटिंग वाला वो बोलते हैं कि अगर तुम सेल करोगे तो हम तुम पैसे देंगे ये सीन होता है तो लास्ट वीक था ठीक है तो मैं घर चला गया क्योंकि घर में थोड़ा काम हो गया था कोई रिपोर्ट नहीं दादी के रिपोर्ट नहीं गया था मैं उसके किडनी का ऑपरेशन था तो मैं पेशावर गया एक दिन के लिए और दूसरे दिन मैं कॉल सेंटर आया तो नेक्स्ट डे हमारी सैलरी आ गई ठीक है सबकी सैलरी आई है मेरी सैलरी बंद और मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ घर से मैं पैसे लेके नहीं आया था मैंने कहा कि पैसे मिलेंगे तो कॉल सेंटर के उनसे मैं हफ़्ता अपना महीना गुजार लूँगा तो मैंने घर में बोला कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए बस मुझे सिर्फ आप जाने का वो दे दो ना लेके आ गया और उसी दिन जब सैलरी आई तो मुझे पता चला कि मेरी सैलरी नहीं आई है क्योंकि मैंने लास्ट वीक के एक दिन मैंने छुट्टी की है मैंने कहा यार ये कौन सी पॉलिसी है एक दिन छुट्टी की थी तो मैं गया मीटिंग में मीटिंग हुई मैंने कहा कि सर ये, ये सी ना मेरी सीढ़ी क्यों रोक दी मेरे पास पैसे नहीं है मैं नहीं आता था कॉल सेंटर तो उसने कहा तुम्हारी सीढ़ी तो अभी ग्यारह तारीख को आई है और उस टाइम तारीख कोई था अट्ठाईस मैंने कहा ग्यारह तारीख यार दस दिन में कैसे आऊँगा क्योंकि आना जाने का खर्चा फिर मैं नाश्ता भी उधर से बाहर से ही करता था ठीक है फिर यूनिवर्सिटी आओ यूनिवर्सिटी से फिर घर जाओ ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा होता था बंदे का फिर मैंने उसको बोला सर मैं छोड़ रहा हूँ काम तो वो मतलब हैरान हो गया कि क्यों छोड़ो क्यों मेरे कहा सर मैं छोड़ रहा हूँ कहा मेरे पास पैसे नहीं है मैं नहीं आ सकता फिर वही बोल के मैं आ गया था अंदर फिर, फिर मुझे पैसे नहीं दिए उन्होंने नहीं पैसे तो दिए फिर उन्होंने दोबारा मीटिंग करवाया लटका के दिए ले दिए लेट ना दोबारा हाँ। मीटिंग करवाया उन्होंने फिर बुलाया जो फ्लोर का मैन हेड था उसने कहा कि क्या मैं मुझे क्या सुनने को मिल रहा है मैंने कहा क्या सुनने को मिल रहा है मैं छोड़ रहा हूँ काम उसने कहा क्या मतलब काम छोड़ रहे हैं हमने तुम्हारे ऊपर इधर खर्चा किया ये वो ना मैंने कहा कि क्या खर्चा किया यार मैं जो टाइम लगा रहा हूँ दस दस घंटे इधर काम के लिए अगर सेल नहीं हो रहा तो वो तो मेरी गलती नहीं है और जो तुम लोग ने सिखाया है वो हो भी नहीं रहा ठीक है वो वो हम वो चीज़ें में काम ही नहीं आ रही आपने बहुत बेसिक सिखाया और और ये लोग प्रोफेशनल हैं ठीक है अमेरिकन उनको पता है सब चीज़ का तो वो आगे से पूछते हैं ये सीन ऊपर से आपको पता है रेट भी ज़्यादा है और जो भी सेल करें उनके पास बेग टेटा बहुत ज़्यादा पड़ा है तो वो बंदा गुस्सा हो गया ठीक है तो फिर मैं भी गुस्सा हो गया फिर मतलब हम दोनों मतलब फिर वो इंग्लिश में बोल का गुस्से में ना तो अभी मुझे हंसी भी आ रही है और मैं भी उसको इंग्लिश में जवाब दे रहा हूँ ठीक है और फिर मैंने मैंने कहा कि यार वैसे मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ तो क्यों ना मैं मान लेता हूँ कि हाँ मेरी गलती है वैसे तो मुझे वैसे भी दे रहे हैं मेरे पैसे तो नहीं काट रहे मेरे पैसे मुझे देंगे मैंने कहा कि आ, सर आ, मैं मानता हूँ मेरी गलती है मैंने सोचा नहीं था मैंने अपनी स्टडीज़ को मतलब वो नहीं किया था मुझे लगा था कि ईजी होगा मैं कर लूँगा और मेरे दिमाग में जो प्लान था वो मैं नहीं कर पाया नहीं। मैं सोचता था कि मैं मतलब जो कॉल सेंटर हो गया तो मैं घर से बाहर कहीं कमरा लेके मतलब हॉस्टल वगैरह शिफ्ट उसके साथ ही मगर वो फिर नहीं हुआ ठीक है क्योंकि वो लोग पैसे नहीं दे रहे थे तो ऊपर से पैसे नहीं थे तो मैंने कहा यार अभी मतलब नहीं हो पाया मैंने जो सोचा था ना फर्स्ट ऑफ ऑल लोन है यहाँ पे यार यार पूरा पागल हो गया था मैं बिल्कुल ना मुझे आखिर सर ने बोला कि यार बेटा क्या हुआ है तो तुम्हें ना तुम्हारी आंखें माँ के कोई नशा कुछ कर रहे हो मैंने कहा सर नशा <laughs> नहीं करा मैं में ज्वाइन किया है तो उसने कहा कि छोड़ दो ना मतलब तुम्हारा फील्ड नहीं है तुम खुद को ऐसे खुआ कर रहे हो मतलब अपने फील्ड में कुछ चूज कर लो रिनी में काम करो फिर घर वाले भी बहुत वो कह रहे थे कि छोड़ दो छोड़ दो बार बार फिर क्या फिर मैंने छोड़ दिया फिर मुझे लगा सैलरी बहुत कम आएगी और अलहमदुल्ला सैलरी आई थी अच्छी खासी जिससे मैंने फोन लिया और फिर अपनी अच्छा। व्लॉगिंग करियर को मैंने स्टार्ट किया मैंने कि व्लॉगिंग की तरफ जाते हैं गुड कोई फायदा तो हुआ ना चलो हां फायदा हुआ है फोन लिया और उन्होंने फीस क्या कहते हैं तनख्वाह तो दे दी लेकिन मगर बहुत लटका के भाई यहां जाना नहीं चाहिए वैसे ऐसी जगह पे हां यार मगर जिस तरह बताया गया था ना उनकी पॉलिसीज

अच्छा तो फील्ड तो नमल, नमल तो में जो ज्यादातर वो कहती है तीनों एन सी एना चाहते थे बहुत यार मेरा अपना एक दोस्त पढ़ता है ना एन सी ए में बहुत सच के अच्छा नमल वाले नमल वाले बहुत मगर एन सी ए वाले फिर अलग ही लेवल है ना नमल को हम बना लेंगे इन हमारी लाइस इन

मैं उन लोगों को आगे लाता हूँ कि मतलब जो नए हैं मतलब कोई कोई क्रिएट दूसरा क्रिएटिव काम हाँ, करने ठीक है करें, अभी हाँ। मैंने हमारा हम दोनों का जो पहले बनाया था वो भी, तो भी काफी ज्यादा चला पाँच सौ पाँच सौ हो गए उसमें उसमेंट तो काफी चला था वो इसलिए मैंने फरदात का बनाया था मगर उसमें मैंने टाइमिंग गलत अपलोड की थी जिसकी वजह से वो लोग बहुत डाउन हो गया और दूसरा था वो रबाब के रिलेटेड उसमें मैंने ये बताया था कि जो हमारे वासीब भाई हैं उसको फरदात फरदा रबा देना सिखाया है मगर वो थोड़ा बोरिंग हुआ था क्योंकि हमने उसमें डिस्कशन बहुत ज्यादा की थी ठीक है मैंने फरदार बोला था कि हम शोर शूट करेंगे मगर फिटिकल हमने आखिर में गाने बजाए थे मगर उसका जो मैं सोच रहा था ना वो नहीं हो पाया क्योंकि जब तक हम ब्लॉग बना चुके थे उस फिर लोग आ थे उस जगह पे तो फिर हम ओ, अपना नहीं यार मतलब गए जो हम से रहे थे ना वो नहीं हो रहा था फिर मैंने कहा करते हैं जो हो गया वो डाल देंगे यार लेकिन अली ने जो स्टोरी है यार अच्छा अली तो सारी बातें होगी हमें कुछ बताओ कि यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी जा रही है जीपीए के बारे में बताओ जीपीए को लेकर कोई कंसर्न है नहीं कुछ तो यार जीपीए के अंदर कोई कंसर्न नहीं है ठीक है सेकंड सेमेस्टर में भी मैंने कोई थ्री जीपीए लिया था मैं बहुत ज़्यादा खुश था थ्री जी पे, पे। मैंने कहा यार मैंने खुद पढ़ा है ठीक है चीटिंग वीटिंग नहीं कर सकता ठीक है बाकी प्रेजेंटेशन वगैरह वो तो मैम के ऊपर होती है वो जितने मार्क्स दे वो मैम चेक करती है ठीक है फिर उस हिसाब से जो उसका मतलब क्या सोच के नंबर देते हैं उनको मुझे कुछ पता नहीं तो बाकी जी पी ए का कोई भी होगी मेरा

बोला था है तो बेस्ट होता है बिल्कुल. यार मेरा, वो तो होता वो. पहला मेरा सीन था ना में फोटोग्राफी में बहुत ही ज्यादा बहुत ही शौकीन था पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, फोटोग्राफी का नाम दीवाना था यार फोटोग्राफी का स्कोप नहीं रहा

वो मंकी ब्रिज होता है कि यहाँ से जंप करो रस्सी पकड़ केर्डल्स पे, हर्डल पे, हर्डल। नहीं होता मेरे से हर्डल, हर्डल पे खड़े पे हो, पे हो जाते हैं है। है। चार और, चार और पता नहीं दस पंद्रह हजार लाइक शुरू शुरू की बात है टिकटॉक में ना इसमें हैरान रह गए आज भी देखो जो टिकटॉक पे शुरू के क्रिएटर्स आए थे उनके टेन मिलियन फिफ्टीन मिलियन पाकिस्तान में फॉलोअर्स है उनके व्यूज एक दो मिलियन आते हैं और नॉर्मली जो नए क्रिएटर्स दोबारा आिस्त अच्छा टाइम के साथ साथ ग्रो करके आए उनके भी व्यूज उतने ही आते हैं लेकिन जो शुरू में आए उसके फॉलोअर्समी होती है सारी

की कोई आ, स्पेस नहीं रही लेकिन ऐसी बात नहीं है इवन आज के दौर में आप झुगी वाले को भी देखो ना, अभी हम झुगियों हाँ। में रह रहे हैं ऐसी बात नहीं है ना सब तो पता होता है इंटरनेट बड़ा फास्ट हो गया तो आज से पाकिस्तान की आबादी मेरे ख्याल से इक्कीस बिलियन है नहीं इक्कीस बिलियन नहीं बाईस अरब

लेंस के जब पिक्चर क्लिक करने के वक्त मैं उसको देखता था ना तो बहुत ही मुझे मज़ा आता था कि यार ये बंदा इतना मतलब हैन समय ये वो तो मैंने अपना पेज बनाया ठीक है और उस पेज का फ़ायदा मुझे दो तीन जगह में बहुत ज़्यादा हुआ इवन ऐसा हुआ कि मुझे नए नए लोग मिले जिनको फोटोग्राफी का शौक था ठीक है दूसरे यहाँ की रिसेंटली मुझे सी में उसमें फ्यूचर फेस में उसका फायदा हुआ फ्यूचर फेस में मैं गया मेरे जो दोस्त हसन सबको उन्होंने मीडिया टीम में डाला था और मुझे नहीं डाला था तो मैं गया उधर जाके मैंने बोला यार उन्होंने कहा इंटरव्यू मैंने इंटरव्यू में दे दे दे, कहा कि क्या करते मैंने कहा कि मैं फोटोग्राफर हूँ उन्होंने कहा अपना पेज दिखाओ तो मेरे पास एक इंस्टाग्राम पेज है पैनडाग्राफी ठीक है वो पेज मैंने दिखाया तो यार पिक्चर्स लेते हैं बहुत अच्छे आप पिक्चर्स लेते हैं

क्यों हो। करते हो यार ऐसा होता है ना बंदा एक चीज में अभी देखो हम सारे ना ग्रोथ कर रहेनिंगे पे तो मैं भी देख रहा ना हर एक चीज में किस चीज में फोटोग्राफी मैंने छोड़ा हाँ नहीं है ठीक है अगर अभी मेरे हाथ में कोई कैमरा देखे बोले ना पिक्चर तो मैं वही सीन है ठीक है वो मेरे जिन्स में क्योंकि मेरे अबू जो थे ना मेरे गांव में जितनी भी शादी होती में मतलब जो हमारा करीम और चित्राल के एरिया है उसमें जहाँ भी कोई शादी का सीन होता था ठीक है वीडियो वगैरह का तो उसमें ऐसा था कि मेरे अबू के पास कैमरा होता था ना तो वो सारा कुछ वो रिकॉर्ड करते थे एडिटिंग सारा कुछ मेरे अबू करते थे तो बचपन में हम उसके साथ बैठ के एडिटिंग तो नहीं सीखा मगर फ्रेमिंग वगैरह का सीन पता था कि फ्रेम इस तरह बनाती है वो हम, इवन हमारे अब जो थे ना हमारे बचपन की वीडियोज़ हैं हमारे अबू के पास ठीक है घर में मतलब हम स्कूल जाते हुए या घर में हम कोई पोइम पढ़ रहे हैं मतलब बहुत ही वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो वो देख के ना मतलब घर में घर के ही वो हो के फिर मुझे ख़ुद भी मतलब बाद में शौक पड़ गया चीज़ों का क्योंकि जब अगर तुम्हारे घर में एक चीज़ हो रहा है ठीक है और जीज, 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 जीज में है तो फिर मैंने खुद देखा यार मतलब मजे का सीन है तो जब कैमरा मेरे हाथ में आया तो फील हुआ कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ ये काम तो फिर मैंने स्टार्ट किया था और बाकी मैंने एंड नहीं किया है अभी फिर ऐसे कि दूसरे कामों में भी बंदा वो करे यार एक्सपीरियंस दे रहा है हर एक चीज देख के क्या क्या होता है तो यही सीन है बाकी ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ा है कोर्सेंटर मैंने छोड़ा क्योंकि यार ना टॉर्चर हो गया था बंदा उधर ग्राफिक डिजाइनिंग छोड़ी हां ग्राफिक नहीं हो रहा था ना काम अगर एक काम देखो अब लर्निंग में भी हाँ। एक काम नहीं हो रहा तो टाइम क्यों वेस्ट ठीक है करेगा इंटरेस्ट नहीं है वो ना करो हाँ। सिंपल सी बात है टाइम वेस्ट होता है फिर यार टाइम वेस्ट हो रहा है बंदे का ठीक है फिर टेंशन लेता है बंदा उस काम को लेके काम को लेके टेंशन में तो काम फिर कैसे करोगे एंजॉय करके करोगे तो फिर तो काम होगा ना

हेड 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 का hate का का एक दफा, ए, एक दफा कमेंट अलीट तो नहीं हुआ लाइक दे दिया बोलते हैं कि यार क्या करे हो मतलब इवन मेरे कजन अपने कजन भी बोलते हैं यार तुम्हारी आंखें कौन देखेगा क्यों पहनते मैंने कहा यार आंखें देखने नहीं कर रहा ठीक है

होगा कहीं एफ इलेवन एफ टेन आई आई टेन भी हो सकता है आई भी हो सकता okay, बस, है ओके बस ठीक है ओके हो गया डिस्ट्रैक्शन होगी तो ऐसे इग्नोर कर रहे हैं वो सेट हो जाएगा ना फिर भी बातें करने लग जाएंगे लोग कट कर देना हाँ। अच्छा हां कट नहीं अभी तो मैं एडिट करूंगी कट कर लेना ओह हां तो फिर तो मैं सब कुछ कट करूंगी हां ठीक है आज एडिटिंग मैं करूंगी चलो अली फिर क्या हुआ <laughs> फिर क्या यार फिर कॉलेज में भी ऐसी था कि मास्क क्यों पहनते हो सारे ये पूछते थे कि मास्क क्यों पहनते हो मास्क क्यों पहनते हो तो, तो।, तो बहरहाल अगर कुछ अली हमारी पॉडकास्ट ऑलमोस्ट एंड हो गई अगर तुम कुछ बयान करना चाहो जज्बात खयालात एहसासात कुछ भी अच्छा दोस्तों को बताओ ना यहां पे वासेफ खिराव भी सारे मिलेंगे कैसी हालत के क्लास में नहीं होते ना तो मैंने तुम लोगों को मिशन, क्लास तुम्हें... हाँ, इनके साथ होता होता है इनके होता थी पहले वो हिंदवाने वाला था कि लाले लाले अब वो था मैं शेयर करूंगा यहाँ केला क्रू केला वीडियो दिखानी है ना है। 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 यार इन एंड मैं सबको ये बताऊंगा ना यूनिवर्सिटी में मतलब जी के पीछे ना भागे ठीक है और अभी मुझे भी जो जितने भी मुझे मिलते हैं ना यूट्यूब के जरिए मतलब कोई नया स्टूडेंट मिलता है आया हुआ तो वो मुझे यही बोलता है यार कि क्लास में स्नैक्स स्नैक् हमारे लड़कों से लड़कियों से ज़्यादा लड़के स्नक है ना तो मतलब लड़के बातें इधर उधर करते हैं तो सही में मैंने यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा देखा हम मतलब मैं, हम मैंने ना कॉलेज में सारे लड़के हमारे साथ हैं मगर ऐसा सीन नहीं था कि मतलब लड़कियों को देख के लड़के वो हो जाए मगर मैं यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ ना कि जब लड़की लड़के के साथ होती है ना तो वो बंदा चेंज हो जाता है तो ये लिए बहुत फेक कर लेते ना, आप हाँ, तुम्हें नहीं जानता वो बंदा और फिर जो अभी लड़कों में जो बात होती है वो लड़कियों के साथ यार ये इस तरह इस तरह। हाँ, वो थोड़ा हो तो वो बहुत तो ही मतलब बहुत ही अजीब लगता है क्लास वाली गेम से बाहर निकले बंदा तो यार बहुत अजीब लगता है क्योंकि हम सारा लड़कों के साथ पढ़े है लड़के ही थे हमारे साथ तो बात भी करते फेस टू फेस बात करते थे मगर इधर अच्छा यार जहाँ कंफर्ट जोन हो वहाँ जाओ जो भी थोड़ी क्लास में क्या रखा है यार यूनिवर्सिटी आके ना लोग घबराते हैं ठीक है मैसेज करते हैं यार ये तंग कर रहा है ये वो कर रहा है ये हो रहा, रहा है वो हो रहा है अक्सर लड़कियों को ये मैसेज आता है हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको इस तरह के इश्यूज आए हैं हाँ इवन दो रिसेंटली अभी ये तंग करना मतलब ऑब्वियसली वो ऑल बॉयज से बढ़ गया औखा हो हाँ। जाता है इस तरह के सीन होते हैं सही है, सही है सही तो उसने मुझे मैसेज किया कि यार अरे भाई ये सीन है सीना मेरा क्या मसाला है मैं आपके पास आता हूँ मिल मिल के मैं बोलता हूँ क्या सुन लगा ठीक है मैं उसके पास के बोलते हैं यार इधर लड़के भी इसने एक हैं ये वो बातें पर आते हैं मैंने उसको बोला कि देखो आप अपने घर से निकल के आती हूँ ना आपको कोई नहीं जानता यूनिवर्सिटी में ठीक है कोई भी आपका अपना नहीं है तो आपको इस तरह करने के यूनिवर्सिटी घर से आते वहां आपको ये सोचना है कि मतलब आज जाके मैं कुछ सीख लूँगा अगर आपको क्लास में मजा नहीं आ रहा ठीक है आप नहीं सीख रहे कोई चीज़ तो फिर क्लास छोड़ दो बाहर थोड़ा घूमो दोस्तों के साथ घूमो अपना कोई दूसरा जो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो वो चीज़ें चीज़ें देखो क्लास के अंदर भी वो देख सकते हो मगर ये ना सोचो कि मतलब मैं मुझे ये लोग मेरे बारे में ये कहेंगे वो कहेंगे तो फिर अभी से अगर आप ये सुन लेंगे तो फिर तो दुनिया बहुत बड़ी बढ़िया मिसाल ऐसे है कि ये हम वीडियोज बना रहे हैं हमें क्लास में तो कोई मजा नहीं आता लेकिन हम अपना यहां पूरा कर रहे हैं इवन अभी मेरा क्लास है मुझे बोले कि सर आगे मगर सर पॉडकास्ट पे था

ऐसा सीन हुआ कि आ, मेरे जो उर्दू इतनी ख़राब है ना उसका मसला ये था कि जब मैं पहले पहले यूनिवर्सिटी को आप शावर आ गया था तो हमारे सर जो थे वो सारे ना उर्दू बहुत ही अजीब बोलते थे ठीक है तो मैं उनकी ना प्रोडी करता था घर आके तो मेरे अबू बोलते थे कि देखो बैठा हाथ में तुम्हें मसला होगा ना करो तो उस टाइम मुझे ये मजाक रहता था कि यार कुछ नहीं होगा ठीक है मतलब मजाक मजाक में और अभी मैं खुद मजाक बन गया उर्दू को लेकर अभी कभी कभी ना कभी कभी मुझे ना मतलब सेंटेंस ही नहीं बनते मेरे से यार मैं क्या बोलूँ तो जब तो सारा कुछ मिक्स हो गया ना तो फिर बहुत कन्फ्यूज होता है बातें करते हुए यार कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या तो अक्सर क्लास में बोलते हैं कि तुमने ये बात हालत की मैंने कहा यार ना क्या है यार तुम लोग को समझ हाँ तुम लोग को समझ आती है मेरी बात तो हो गये ना कम्युनिकेशन हमारा क्लियर होता है सही है कौन सा हम ग्रामर के टीचर्स हैं एक दूसरे ग्रामर चेक करते हैं तो इस चीज़ को मैं इग्नोर करता हूँ तो आप लोग भी इग्नोर करें यार लास्ट मैसेज पुस्तु में है कि او واصف ورو دا کم چې کار کې دا ډیر خسته کار دی کم چې زموږ یوث کسان دي کناږي څوک دغه نه کې شو لګي کسان مخ کې سي صرف واصف کډام لی مریم اه واصف او مریم دوه نه کنا او مین مین ائیډیا سم خپل واصف نو دا غوازی غن تاسو ټول کسان دې پرموټ کړئ او دا چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او او کم چې زموږه نیو جنریشن دې کم چې اوس دغه خپل لګي ای څه ګرځګې دي अगर टोल तेज करना मतलब कम कमेंट दिया टोल इग्नोर की और अखबल तो 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 कर उन लोगों को सामने आ रहे हैं जो स्ट्रगल करें ठीक है और ये बहुत अच्छा काम है ठीक है क्योंकि उन लोगों को कोई भी नहीं हैं सारे वो लोग जैसे हमारी टिकटॉकर जो फेमस हो गई थी मेरी गाड़ी है ये वो उन्हीं लोगों के सामने ला जाता है जो बाकी लोग पीछे रह जाते

काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और टू तो बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ये गर्मी है यहाँ पे और ये देव कैरीड बस कैरिड टू ट्राइपॉर्ट्स विद हिम ठीक है साथ दो फोन्स उनके साथ लगाए हुए माइक्रोफोन्स और सारी एसेसरीज कैरी करना उनको लेके आना फिर जगह देखना फिर बंदों को कहना कि यार प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प आउट कर दो क्योंकि बहुत डिफिकल्ट चीज़ है तो इस चीज़ को मतलब प्रॉपर सपोर्ट की जाए मैं मतलब एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जो इस तरह प्रॉपर मेहनत कर रहा है उसको सपोर्ट की जाए ना कि मतलब जो इस तरह एक शॉर्ट सी वीडियो मोबाइल निकाला हाँ ये है ये हमारी पार्टी हो रही है और वो भाई वो कहाँ चले गए हैं दूसरे कहाँ चले गए हैं ठीक है पार्टी नहीं यार हाँ ठीक है मैं सिर्फ उनको हाईलाइट uh, नहीं कर रहा मैं उन सब चीजों को हाईलाइट कर रहा हूँ मतलब ठीक है जो लोगों को कंटेंट पसंद आया उन्होंने फॉर एग्जाम्पल उसको अडोर किया या उसको उन्होंने कहा चलो ठीक है उनको उसमें फन लगा लेकिन उसके साथ साथ जो लोग द पीपल हु आर मतलब इन रियल डूइंग स्ट्रगल काइंडली फॉलो दैम एंड काइंडली सपोर्ट दैम ये बात अली भाई को हम अगली अगली पॉडकास्ट पे नहीं बुला रहे पे बुला रहे क्योंकि सजा मिलेगी लेंगे वैसे एक सीन है कि आजकल अली भाई बहुत हो गए हैं नोट आहा, रहे हो तुम लोग वरना अली भाई, भाई फनी होते हैं तो अली भाई यार अच्छा है अभी वो संजीदा होने वाला सीन था ना बहुत सीरियस तो बस यही बातें थी सारी पॉडकास्ट पसंद आई होगी हमने अपने अच्छा ये थी आज की पॉडकास्ट आई होप कि आपको पसंद आई होगी हमारे अली दी मैन मास ने इतनी अच्छी अपनी स्टोरी बताई अमेजिंग जर्नी अली और विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर और मरियम कमेंट्स दो अपने अली को यार बहुत फन था अच्छा है मतलब जर्नी अच्छी थी और वही हमारी बेसिक वही बात है कि कॉमन सी जर्नी भी हो तो ऑबवियस मे बी कोई इन्फ्लुएंस हो जाए तुमसे कि व्लॉगिंग स्टार्ट कर दे या मा, मैंने मास्क आज क्या पता हाँ। कोई अगला तो कुछ भी हो सकता है तो बेस्ट है यार बस गिव अप ना करो और लगे रहो हुँ 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 कंसिस्टेंट रहो सही बात है सही बात है मतलब सिर्फ ना स्टार्ट करो यार एक चीज साबित हुई है कि अपना